Hey guys, this is Jassi faculty of English. Welcome once again to our channel GOODLUCK Institute. आज के हमारे इस वीडियो में we are going to talk about use of wh family. जी हाँ, कब, कहाँ, क्यों, किसने, किसको, किसलिए, ये जो चीजें हम बोलते हैं, इन सभी questions को हम कैसे बना सकते हैं, क्या इसकी एक easy trick है, वो आज मैं आपको एक formula के medium से बताने जा रहा हूँ. तो first of all हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे total wh words हैं कितने. ये टोटल 9 होते हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं. 9 wh words. What, why, whom, whose, which, where, when, who and how. These are total 9. हम इन, ये तो 9 हमारे मेन हो गए. इनसे हम और भी बहुत सारे बना सकते हैं अगर हम उसके अंदर प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं इन wh words से पहले. पहले तो हम इन्हीं की बात कर लेते हैं, उनकी हम बाद में करेंगे. इन wh words को यूज करने का हमारा एक रूल होता है, रूल ऑफ क्वेश्चनिंग. सबसे पहले आपको wh family यूज करनी है जो हमने यहाँ पे मेंशन करी हुई है. उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस होगा उसके हिसाब से, जो आपकी उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती होगी टेंस के हिसाब से, मोडल्स के हिसाब से. फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, वर्ब. वर्ब में हमारी या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी, या वर्ब के साथ हमारा आईएनजी लगेगा. लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ध्यान रखना wh family के बाद हमें अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, देन सब्जेक्ट, वर्ब एट लास्ट ऑब्जेक्ट. फाइन. इसके अलावा मैं आपको इसमें एक चीज और बता देता हूं कि हमारा हुज और विच जब भी आप यूज करोगे इनके बाद आपको नाउन जरूर यूज करना है. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हमारे यहां पे आता है हुज, तो हमने यहां पे हुज हमेशा किसी ना किसी के साथ अपना रिलेशन शो करता है. तो यहां पे हमने किया हुज फादर, तो यहां हो गया किसके पिताजी. ठीक है, तो ये पूरा मेरा wh वर्ड बनेगा. जैसे हमने बोला हुज फैमिली, तो किसकी फैमिली. ऐसे ही अगर हम विच की बात करते हैं तो जो हम नाउन को यूज कर रहे हैं विच के अंदर कैसे आ जाएगा हमारा, वो देखिए आप. जैसे हमने बोला विच पेन, यानी कौन सा पेन. विच मूवी, यानी कौन सी मूवी. तो ये पूरा का पूरा मेरा wh वर्ड कहलाएगा. इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं हु की, तो अकेला हु हमारा ऐसा है जो हमारा सब्जेक्ट का भी काम कर जाएगा. इसके बाद अगर आपके टेंस हैं प्रेजेंट, इनडेफिनेट और पास्ट इनडेफिनेट, तो उसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपके डायरेक्ट सेंटेंसेस बन जाएंगे. जैसे हमने बोला हु सेज, कौन कहता है, या हु सेड, किसने कहा. तो यहां मेरे को हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है. बाकी इन सबके साथ आपका फॉर्मूला यही चलेगा, सिर्फ हु की कंडीशन में आपका ये चीज चेंज हो जाएगा. अगर आप इसको फ्यूचर में लेके जाओगे तो wh वर्ड, यानी जो आपका हु है उसके बाद आपका विल या शैल लग जाएगा आपका. जैसे कौन करेगा, हु विल डू, इसमें आपका सब्जेक्ट मिसिंग हो गया. तो हु के केस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा और प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर आप इनको डायरेक्ट यूज कर दोगे वर्ब के साथ. अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हो तो आपका यहां पर ये सेज आ गया, फाइन. अगर आप प्लूरल की बात करोगे तो सिंपल यहां पे हमारा से आ जाएगा. और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपका डायरेक्ट हमारे यहां पे सेकंड फॉर्म लग गया. इसमें हमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है. बट फ्यूचर में अगर आप बात करते हैं तो आपको विल का यूज करना पड़ेगा इसमें, अपने हु का इस्तेमाल करने के बाद. एक चीज और मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं कि हु हमारा दोनों जगह यूज होगा आपका, चाहे आपका सिंगुलर हो या आपका प्लूरल हो. सब्जेक्ट, जो हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे या जो प्लूरल होंगे उनके साथ भी हमारा हु यूज होगा. और इसी के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ वो भी हमारी सिंगुलर और प्लूरल यूज होगी. चाहे हमारा सब्जेक्ट हो चाहे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो, वो भी हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज हो सकती है. जैसे अगर आप बोलते हैं हु इज कमिंग, यानी कौन आ रहा है, तो ये हमने सिंगल के लिए बात करी. अगर मैं बोलता हूं हु आर कमिंग, यानी कौन आ रहे हैं, तो ये हमारा प्लूरल हो गया. ये तो मैं हु के साथ दोनों चीज यूज कर सकता हूं, चाहे मेरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो या सब्जेक्ट हो, चाहे मेरा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट हो. फाइन. अब इनके अलावा इन wh वर्ड्स का हम यूज कैसे करेंगे उनके मैं आपको बताने जा रहा हूं. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा रूल ऑफ क्वेश्चनिंग है वो है कि पहले हमें wh family अपनी यूज करनी है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड लास्ट में हमें अपना ऑब्जेक्ट यूज करना है. अब हमने सेंटेंस ले लिया यहां पर. सपोज हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है आप कब आओगे, तो हमने उसको बोला आप कब आओगे. अब उसमें wh family हमारी क्या है, कब, हमारा आ गया when.
अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कब आओगे ये मेरा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है जिसके अंदर हमारा विल और शेल हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है और यू हमारा एक सेकंड पर्सन जिसके अंदर हमेशा हम आपका विल यूज करेंगे। तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया यहाँ पर विल, सब्जेक्ट हमारा आ गया आपको मतलब हो गया यू, वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म लग रही है इसके अंदर कब, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि वह कहां जा रहा था, तो कहां हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है, हमने पहले उसको यूज कर लिया वेयर, फिर जा रहा था ये मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वर। तो मेरा वह थर्ड पर्सन जिसके साथ हमेशा हम वाज यूज करते हैं, तो वेयर वाज सब्जेक्ट आ गया वह, ही वर्ब क्या आ गया हमारा गो, कॉन्टिन्यूस में हमेशा आपका आईएनजी लगता था, यहां पे आ गया हमारा गोइंग, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क यूज कर दिया। अब अगर मैं बोलता हूं कि हमने कौन सी मूवी देखी थी, अब कौन सी मूवी विच हमारे इसमें इस्तेमाल किया जाएगा कौन सी के लिए, अब कौन सी मूवी पूरा मेरा डब्ल्यू एच वर्ड है, तो मैंने क्या लिखा है यहां पे विच मूवी हमने देखी थी, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस क्योंकि वो काम हम पास्ट में अपना पूरा कर चुके हैं। तो उसके अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो है हमारा हैड, विच मूवी हैड, सब्जेक्ट आ गया हमारा वी, क्यों हमने की बात हुई थी, हमने देखी थी, परफेक्ट के अंदर हमेशा आपके थर्ड फॉर्म लगेगी, तो वॉच की थर्ड फॉर्म हो गया वॉच्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो विच मूवी हैड बी वॉच्ड। अगर हम बोलते हैं कि आप कितनी जल्दी तैयार हो सकते हो, तो कितनी जल्दी का मतलब हो गया हमारा यहां पर हाउ सून। ठीक है, अब हो सकते हो ये हमारा कैन लग गया इसके अंदर, हाउ सून कैन यू गेट रेडी। ठीक है, इस तरीके से, तो हमने क्या किया, सेम हमने अपना फॉर्मूला फॉलो किया, पहले हमने अपना डब्ल्यू एच फैमिली का यूज किया, उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, और उसके बाद हमने अपना यहां पर वर्ब सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने अपनी वर्ब लगाई और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से सारा आपका ये यूज किया जाएगा, ये आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको आपको फॉलो करना है। इन 9 WH वर्ड्स के अलावा हमारे और कैसे WH वर्ड्स बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। हम इन सभी 9 WH वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशंस यूज कर देंगे इनसे पहले, जैसे अगर हमारा है whom, इसका मतलब होता है किसे, अगर हम बोल देते हैं विद whom, तो किसके साथ, टू whom किससे, फ्रॉम वेयर कहां से, Since when कब से, तो इस तरीके से जो आपकी बहुत सारी WH words बनने लग जाएंगे, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से आपके WH words वो नए बनेंगे इनके अलावा।